जय हिंद दोस्तों। भारत में कोरोना वायरस से भी बड़ा एक वायरस है जिसका नाम है इंडियन मीडिया वायरस, मतलब हिंदुस्तान के न्यूज चैनल्स। ये वायरस पिछले कई सालों से ना सिर्फ इंडिया को निचोड़ रहा है बल्कि उसके टुकड़े टुकड़े करके उसे बर्बाद कर देना चाहता है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स संस्था के अनुसार 140वीं रैंक वाली ये मीडिया दुनिया की सबसे बुरी, बकवास और थर्ड क्लास मीडिया में गिनी जाती है। धर्म के नाम पर दिन भर भारत की जनता को जहर पिलाने वाली इस मीडिया की औकात अब हमारे सामने पूरी तरह से साफ हो रही है। जिस वक्त पूरी दुनिया और हमारा भारत कोरोना वायरस जैसे राक्षस से लड़ रहा है, हजारों लोग रास्ते पर चल चल के मर रहे हैं, लाखों लोगों को अन्न पानी नसीब नहीं हो रहा है, हजारों लोगों की जॉब जा रही है, इंडियन इकोनॉमी बद से बदतर होती जा रही है। कम से कम उस वक्त तो ये उम्मीद की जा रही थी कि इंडियन इकोनॉमी अभी तो सेंसिटिविटी दिखाएगी, मगर नहीं। आज भी रात दिन टीवी पर कम्युनल हेट्रेड चला चला के धर्म के नाम पे, जात के नाम पे हिंदुस्तान की जनता को बांट देना चाहती है मीडिया और हिंदुस्तान की आत्मा को चीर देना चाहती है। मेरी आपसे सिर्फ एक ही बीती है दोस्तों कि दूर रहे ऐसे न्यूज चैनल से। ये न्यूज चैनल्स और इनके एंकर्स सिर्फ चंद पैसों के लिए देश को बेच देना चाहते हैं। और उन मीडिया के लोगों से मैं एक बात कह देना चाहता हूं कि ये हमारा भारत देश भगत सिंह के खून से, गांधी जी के चरखे से, अंबेडकर की कलम से, सरदार पटेल की अनुशासन से, नेताजी के बलिदान से, अनेकों अनेक प्राणों की आहुति से, हमारे जवान और किसानों की मेहनत से बना है। इसे तोड़ना केवल असंभव है। हम भारत के लोग एक थे, एक है और एक ही रहेंगे। #BoycottIndianMedia दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह की वीडियो और भी बनाऊं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब और शेयर ही मेरे लिए एनकरेजमेंट है।